आर्मी ग्राउंड करहट में हुई भव्य दौड़ प्रतियोगिता संपन्न। नरारपुर क्षेत्र के ग्राम सभा करहट में आयोजित आर्मी ग्राउंड पर भव्य दौड़ प्रतियोगिता संपन्न हुआ। दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न जनपदों के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी प्रतिभागी प्रतिभाग किए। उक्त प्रतियोगिता में सर्वप्रथम मैराथन 10 किलोमीटर की दौड़ संपन्न हुई। 1600 मीटर व 800 मीटर की दौड़ तथा बालिकाओं के लिए 3 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया। मुख्य आयोजक युवा शक्ति आर्मी ग्राउंड करहट ने बताया, विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें साईनाथ हॉस्पिटल, डॉक्टर अमित तिवारी, महेश यादव, श्याम स्टील, एग्रो पावर, दिनेश मौर्या का सहयोग प्राप्त हुआ। दौड़ प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहे राजेश यादव फौजी ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनको सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने की प्रेरणा दी। मुख्य अतिथि विनोद यादव, पूर्व अध्यक्ष गोवर्धन पूजा समिति वाराणसी, विशेष अतिथि सुनील यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवाशक्ति संघ, अर्जुन सिंह अध्यक्ष पूर्वांचल कुश्ती संघ, सुनील गुप्ता भामाशाह जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में सभी प्रतिभागियों को बधाई दी, आयोजक मंडल का धन्यवाद दिया। आयोजक आर्मी ग्राउंड परिवार करहट अध्यक्ष उजागर सिंह यादव ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन अभय कुमार पीके द्वारा किया। आभार उपाध्यक्ष त्रिलोकीनाथ यादव ने किया। उक्त अवसर पर जितेंद्र गुप्ता, मिथिलेश पाठक, जेपी यादव आदि लोग मौजूद रहे। जी, यहाँ पे आर्मी ग्राउंड में देख रहे हैं कई वर्षों से एक दौड़ प्रतियोगिता होती है, क्या उद्देश्य है? हम लोग हर साल दौड़ प्रतियोगिता कराते हैं कि बच्चों में सेना भर्ती के प्रति जोश बने और देश की सेवा में जाए, लेकिन सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया अग्निवीर योजना ला करके, जिससे कि युवा आज सेना भर्ती से कतरा रहा है। ये बहुत दुखद बात है। हम आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस योजना को समाप्त करे और युवाओं में फिर से जोश बने सेना में जाने के लिए। यानी आपका कहना है कि अग्निवीर की वजह से कहीं न कहीं आज के युवाओं में निराशाएं आ गई हैं? जरूर, अग्निवीर योजना से आज के युवा में बहुत ज्यादा निराशा है। क्या लक्ष्य है आपके इस ग्राउंड का? ये हमारे ग्राउंड से 80 फौजी भर्ती हुए हैं। हमारे क्षेत्र में यही ग्राउंड है जिससे कि हमारे क्षेत्र का विकास हुआ। आज का ये जो कार्यक्रम होता है वो किसके सहयोग से होता है, कहाँ से ये फाइनेंशियल व्यवस्थाएं या बच्चों को सूचनाएं या ये ग्राउंड की सारी जो मैनेजमेंट है ये कहाँ से संपन्न होती है? ये हमारा ग्राउंड में हमारे आर्मी ग्राउंड परिवार है, इसमें जो हमारे ग्राउंड से भर्ती हुए हैं लोग सेना में, फौज में, उसके बाद मिलिट्री में है, BSF है, CRPF है, मास्टर है, रेलवे में है, तमाम विभागों में लोग हुए हैं। वो लोग प्रतिवर्ष युवाओं में जोश और जुनून करने के भरने के लिए ये सहयोग करते हैं और उसी सहयोग से हम लोग ये प्रतिवर्ष कराते हैं। जो प्रतिभागी आते हैं वो कहाँ कहाँ से हैं प्रतिभागी? इसमें प्रतिभागी सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, मऊ और दो चार प्रतिभागी तो MP से भी आए हैं और तमाम जिला से लड़के आते हैं, इलाहाबाद से भी आए हैं। आयोजन में कितने मीटर की दौड़ रहती है? विजेताओं को क्या है आपके ग्राउंड से उनको पुरस्कार के रूप में या पारितोषिक के रूप में या कुछ भी कर लिया जाए, क्या प्राप्त होता है उनको? हम लोग हर साल एक 10 किलोमीटर का मैराथन दौड़ कराते हैं, 1600 मीटर की रेस कराते हैं, 800 मीटर कराते हैं और इस बार हम लोगों ने 3 किलोमीटर बालिकाओं के लिए प्रतियोगिता रखा था जी। उसमें बालिकाओं को भी हम लोगों ने प्रथम पुरस्कार के प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी साइकिल ही दिए हैं जी। आपके सहयोगी टीम में कौन कौन रहते हैं, क्या उनका सहयोग मिलता है, उस पर कुछ बताएं? हमारे सहयोगी टीम में जितने हमारे सीनियर लोग, फौजी भैया लोग हैं, इस कार्यक्रम के समय ही छुट्टी लेकर के आते हैं, अपना 100% देते हैं, उन्हीं लोगों की मेहनत और हम लोग छोटे से प्रयास से ये कार्यक्रम हम लोग कराते हैं। कह लिया जाए तो आज के दौर में एक समाज सेवा की एक नई पहल है आपके इस ग्राउंड से। हाँ, हम लोग हमारे क्षेत्र में जितने भी फौजी भैया लोग हैं सबका एक यही मानना और कहना है कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जो कि समाज के लिए उदाहरण बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। आपसे निवेदन है, सभी नौजवानों को जितने इस दौड़ में भाग लिए हैं, मैं सब आप आशीर्वचन के रूप में दो शब्द, कड़ी मेहनत खेल और खिलाड़ियों को, ये सभी लोग आगे निकले और अपने समाज का, देश का नाम, गांव का। कुछ प्रतिभागी सर निराशा होती है जब वो लास्ट पोजीशन पाते हैं, तो उन प्रतिभागियों को क्या मैसेज देंगे? नहीं, निराश नहीं होना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति कोई पहले आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, मेहनत करने की जरूरत है, उनको सीखने की जरूरत है कि हमें और कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और हम अगली बार जरूर फर्स्ट। आज के युवाओं के दौर में खेल से, दौड़ से, तमाम अभिरुचियों से वो पीछे है, कहीं न कहीं से आज की आधुनिकता का वो शिकार बने हैं, ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे इस ग्राउंड के माध्यम से? इस ग्राउंड के माध्यम से सबसे पहले तो इस ग्राउंड के जो संचालक है मैं उनको बधाई देता हूँ कि ऐसे ही ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर ऐसी खेल प्रतियोगिता अगर जगह जगह होती रहेगी ग्रामीण अंचल में, तो ऐसी प्रतिभा निकल के अपने आप निखर के बाहर आएंगी और आगे निकलेंगी, क्योंकि इनको प्रतिभा को निखरने का अवसर नहीं मिलता है कभी। बहुत अंदर उनके प्रतिभा है लेकिन अवसर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो आगे नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे आयोजन से
उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा आगे जाने का। और मैं बधाई देता हूँ ऐसे ग्राउंड चलाने वाले सभी साथियों को, पूरी कमेटी को, कि आप लोग इस तरीके का आयोजन कराइए और हम लोग के लायक जो भी सहयोग होगा हम सभी उसमें सहयोग करेंगे कि ग्रामीण अंचल से जितने नौजवान हैं जो जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है और उनके अंदर प्रतिभा होती है दबी रह जाती है, उसको उभारने के लिए, निखारने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।